हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सीआरपीसी की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 6 चैप्टर तक के कंप्लीट कर लिया है। आज हमें 7 चैप्टर पढ़ना है। और अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे उनको सफिशिएंट, एकदम मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा। साथ में सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कराए जाएंगे और भी ऐसे लॉज बताएंगे जैसे किसी नॉर्मल पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है, वो सब भी यहाँ बताया जाएगा। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था, जिसमें कि प्रोसेस टू कंपेल टू अपियरेंस था। ठीक है, मतलब किसी पर्सन को बुलाने के लिए कोर्ट में क्या प्रोसीजर है, हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था। और उस प्रोसीजर में हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी थी। पहला समन पढ़ा था, दूसरा वारंट पढ़ा था, तीसरा हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट पढ़ा था, थर्ड हम लोगों ने अदर रूल्स रिगार्डिंग पढ़ा था। ठीक है, मतलब किसी पर्सन को अपीयर करना है, पहले समन भेज दिया, मान के चले समन से आया नहीं, ठीक है, तो उसके लिए वारंट इशू कर दिया गया। वारंट इशू कर दिया गया पर सुनने में आया कि भैया जाओ इनको पकड़ के लाओ, लेकिन वो भाग गए पहले ही। तो उसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद कोर्ट रीज़न टू बिलीव, मतलब बिलीव करके कि वो पर्सन भाग चुका है या छुप गया है, अपने आप को कंसील कर चुका है, तो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर देती है, साथ में अटैचमेंट। ये क्या होता है, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी ये, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तो इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और अदर रूल्स, कुछ और अदर एक्स्ट्रा रूल्स थे जो कि उसमें सेक्शन D में था, सेम यहाँ पे है। पर ये है क्या, चैप्टर 7 बोलता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। चैप्टर 6 में किसी पर्सन को अपीयर होने के लिए समन और ये सब भेजा जा रहा था। अब चैप्टर 7 बोलता है किसी थिंग, किसी डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, किसी थिंग को, जैसे लिखा हुआ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, तो उसको कोर्ट में लाने के लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, समझ में आया, मतलब कोई भी प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी थिंग्स को प्रोड्यूस करने के, चैप्टर 6 किसी पर्सन को प्रोड्यूस होने के लिए बोलता था, चैप्टर 7 बोलता है किसी भी थिंग को प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, और इसमें इसमें भी 4 चीज़ें हैं। पहला वही समन, दूसरा सर्च वारंट, तीसरा क्या है, तीसरा वही जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च, और फोर्थ है मिसलेनियस। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पहला है समन, हम लोग समन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें समन टू प्रोड्यूस है, जिसमें कि पार्ट ए समन टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2 सेक्शन। अपनी अपनी बैराक ले लीजिए, ठीक है, 91, 92 समन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वरना ये थोड़ा सा ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा ना। तो 91 क्या कहता है, चलिए बैराक लीजिए। पहला बोलता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। देखिए आ गया, बोलता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या अदर थिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी अदर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए 91 में समन को इशू किया जाएगा। ठीक, कौन कर सकता है, देखिए। और 92 में प्रोसीजर बताता है पोस्ट टेलीग्राम प्रोसीजर, टेलीग्राफ अथॉरिटिया, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे मतलब कि थोड़ा सा ओवर व्यू बता रहे हैं कि 91 में किसी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए समन बनाया जाता है, और 92 के जो टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो 91 बोलता है
किसी भी कोर्ट को लिखा है, आप बेयर एक्ट रीड ज़रूर करिएगा। बिना रीड के आपको याद तो समझ में तो आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ थी, लेकिन बिना रीड के हुए आंसर लिखना भी मुश्किल है। थोड़ा आगे फिर आप जा करके भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार रीड किया है तो उससे थोड़ा दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी, तो वो डबल रिमाइंडर रह जाता है, हो जाता है। तो एनी कोर्ट और ऑफिसर किसी भी कोर्ट को, किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होता है, उस ऑफिसर इंचार्ज को कोई कोर्ट को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है या अदर प्रोसीडिंग, देखिए उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, इसमें इंक्वायरी ऐड कर देते हैं, किसी भी कोर्ट को या ऑफिसर इंचार्ज को लगता है इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल या इंक्वायरी या अदर किसी प्रोसीडिंग में इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए ये समन इशू कर सकती है कि भैया इस डॉक्यूमेंट को यहाँ इन चीज़ों में ज़रूरत है, तो इसको यहाँ पे अपीयर किया जाए। जिसके भी पोजीशन में है, मान के चलिए किसी का प्रॉपर्टी का पेपर था, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी मतलब समझ लीजिए विल का या कुछ भी ऐसा समझिए, किसी का भी इम्पोर्टेंट पेपर था जो कि ज़रूरी था, कोई भी केस में जैसे होता है कि कई बार प्रॉपर्टी के चक्कर में भी मर्डर्स हो जाते हैं, तो उसको किसकी प्रॉपर्टी थी ये कंफर्म करने के लिए कि भाई इनके नाम थी भी नहीं थी, तो उसको जानना था, तो कोर्ट ने क्या किया, इनके इनके पोजीशन में थी तो इस पर्सन को कोर्ट राइटिंग में समन भेजेगी कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो कोर्ट में, ठीक। यानी उसको उस किसी भी डॉक्यूमेंट को जिससे जिस पर्सन से भी उस डॉक्यूमेंट को मंगाना है उसे राइटिंग में समन करके भेज दिया जाएगा कि इस समन को इस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में अपीयर करो। और अगर आप क्लॉज 3 पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिस पे लिखा है नहीं मांग सकते हैं, मतलब एविडेंस हम नहीं मांग सकते। अब पहला है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123-124 जो कि एविडेंस एक्ट का है, और दूसरा बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1991। इन दो चीज़ों में नहीं मांगा जा सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। सेकंड बोलता है लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट, एनी पार्सल और थिंग कस्टडी इन पोस्टल, कोई भी ये जो लेटर डॉक्यूमेंट ये सब लिखा हुआ है उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी जो लेटर और ये सब चीज़ें हैं अगर पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास हैं तो उसको नहीं मांगा जा सकता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। पर मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऐसी कोई केस चल रहा है जिसमें इसके डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तब क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है और यहाँ से हम मांग ही नहीं सकते, हम ले ही नहीं सकते, तब क्या करेंगे? तो उसी का 92 सेक्शन जो है इसके जस्ट नीचे वाला वो बताता है अगर मान के चलिए टेलीग्राफ से मांगना पड़ गया, अथॉरिटी टेलीग्राफ अथॉरिटी से मांगना पड़ गया, तब हम कैसे, वो प्रोसीजर बताता है हम कैसे मांग सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, CJM, DM। मान के चलिए किसी भी सेम वही चीज़, किसी भी इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो टेलीग्राफ अथॉरिटी पोस्टल और एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है वो ज़रूरी है प्रोड्यूस करना,
तो ये लोग ऑर्डर पास कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक, नेक्स्ट बोलता है, मतलब कि क्लॉज 2 इस सेक्शन का बोलता है, 92 का क्लॉज 2 बोलता है, मान के चलिए डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो खुद जा करके वो उस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा बस इतना ही इसमें बताया है, और आगे के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, अगर लगता है कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कुछ नहीं समझ में आया, डाउट है, आप कमेंट करिएगा, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।